तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग कपूरधाम। तो 6 महीने का हिसाब चेक करके ऑडिट के लिए फाइल रेडी करना है। एक मिनट अय्यर भाई। हेलो, हाँ पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अभी नहीं नहीं अभी नहीं आ सकता मैं। हाँ वो भेज दूंगा, अभी अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ओके ओके बाय। सॉरी अय्यर भाई, पत्रकार होने के नाते मुझे काम के लिए कभी भी फोन आ जाता है, और कुंवारा होने के नाते शादी के लिए तो फोन उठाना ही पड़ता है। अरे एक मिनट अय्यर भाई, आपने भिड़े से सारा हिसाब ले लिया है ना? सारा मतलब सारा हिसाब, गणपति के बिल्स, नवरात्रि के बिल्स, दिवाली के बिल्स सब ले लिया ना? हाँ बबड़दार, सब मैंने ले लिया है। क्या है ना अय्यर भाई, आप सोसाइटी के ट्रेजरर है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पैसे आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। बबड़दार ऐसा मौका आएगा ही नहीं। अरे आत्माराम इतने सालों से सेक्रेटरी है, वो कभी ऐसा गलती करेगा ही नहीं। नहीं नहीं वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप दोनों के हिसाब चेक करने के बाद मैं डबल चेक करता हूँ। उसे पता है कि एक भी गलती की ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। चलो पोपड़लाल, 6 महीने का हिसाब चेक करना है, मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी है, तुम्हारा जैसा छुट्टी नहीं है। अरे भाई मेरा भी आज छुट्टी नहीं है, और आज क्या पत्रकारों की कभी छुट्टी नहीं होती। अच्छा हो। पोपड़लाल एक सजेशन है, तू क्या तुम कभी शादी मत करना। क्या क्यों? अरे तुमको छुट्टी नहीं मिलता है ना, और पोपड़लाल शादी के लिए बहुत सारा छुट्टी का जरूरत होता है। पहले शादी के प्रिपरेशन के लिए छुट्टी, फिर शादी के लिए छुट्टी, फिर शादी के बाद हनीमून के लिए छुट्टी, फिर इतना सारा छुट्टी तुम मैनेज कैसे करेगा? अरे इसीलिए तो मैं अभी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, ताकि तभी लंबी छुट्टी ले सकूं। अभी वो सब छोड़िए ना, हम लोग हिसाब देख लेते हैं फटाफट। भीड़े को फोन करके पूछो वो घर से निकला है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। आओ मीका मिंटे, फोन बज रहा है आपका। अहो फोन बज रहा है आपका। हाँ माधवी फोन तो बजेगा ही ना, मुझे पता है, जब भी काम करता हूँ तभी फोन बजता है। तो अभी क्या करूँ, तोड़ दूँ फोन? ना रहेगा फोन ना बजेगी रिंग। क्या बोल रही हो तुम माधवी, फोन है ये, फोन से 50 काम होते हैं मेरे। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, अय्यर भाई फोन कर रहे हैं काम से, उठाइए ना फोन। हाँ तुम किस लिए आई थी? मिया हाँ हे आपलोग का है? अरे बोलो जल्दी। अभी भूल गई हो तो जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। हाँ अब बोलो अय्यर। आत्माराम मैं और पोपड़लाल सोसाइटी ऑफिस में आ गए हैं, तुम आ रहे हो ना? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके आ जाओ। क्या बोला? 5 मिनट में आ रहा। हाँ ए इस पे साइन करना तो रह ही गया। अरे पेन कहाँ गई मेरी? अरे माधवी, माधवी मेरी पेन कहाँ है? अभी आपके लिए चाय बनाऊ या पेन ढूंढो? मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, यहाँ वहां रख देती हो। ये चाय मैं रखता हूँ, तुम जल्दी से मुझे पेन ढूंढ के दो, पर हाँ मेरी टेबल को हाथ मत लगाया करो, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। शो पहले आप दिमाग शांत रखिए, अपना पेन यही कहीं होगी। यही कहीं हुई तो मिलनी चाहिए ना, कहीं भी दिख नहीं रही है। हे का ये? वहां पे किसने रखी पेन? क्रॉसवर्ड कौन भर रहा था सुबह में? क्या अरे तुला काय झालं माधवी, चाय में शक्कर नहीं डाली तुमने? अय्या भूल गई, ये सब ना आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती है? कब से चाय लाओ चाय लाओ, मदर स्पेन कहाँ है इसलिए भूल गई शक्कर डालना। आप ना थोड़ा शांत रखिए ना दिमाग, दो दो मिनट के बाद ऐसे कुकर की तरह बज रहे हैं। तो हमारे माधवी सोसाइटी के एक मेल सेक्रेटरी को तुम कुकर की उपमा दे रही हो? तो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी जैसी बात कीजिए ना, कब से कितना गुस्सा कर रहे हैं आप, अच्छा लगता है क्या? इतने अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो तो कभी खुद पे भी अमल करो। नहीं वैसे तुम सही कह रही हो, मैं बेवजह गुस्सा कर रहा था। मां अभी नीचे जाके यही सुविचार लिखो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ ये अच्छा आइडिया, लाइए मैं शक्कर डाल के लाती। नहीं नहीं नहीं
मैं यही बिना शक्कर वाली चाय पीऊंगा माधवी। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और आज की सीख मुझे हमेशा याद रहे, ठीक है? चलो अब मैं जाके सुविचा लिखता हूँ, फिर सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ। अय्यर भाई, एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग ये 6-6 महीने का हिसाब क्यों देखते हैं? ये मार्च में वो जब ईयर एंडिंग होता है तभी एक साथ पूरे साल का हिसाब देख लेने का ना, इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है? ए पपड़लाल, हमारी सोसाइटी का इंटरनल रूल है ताकि मार्च में ज्यादा लोड ना आए। नहीं नहीं, ये बात भी सही है, क्या है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ नियम बहुत अच्छे। अच्छा अय्यर भाई, आपसे साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो। पूछो पूछो। ये मेरे मोबाइल की बैटरी बार बार क्यों डाउन हो जाती है? पपड़लाल, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या मोबाइल रिपेयर करने वाला हूँ? लेकिन आप साइंटिस्ट तो है ना? साइंटिस्ट है तो क्या, साइंटिस्ट का मैं बल्ब चेंज करेगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करेगा, क्या कुछ भी बोलता है पपड़लाल तू। मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या है मोबाइल के बारे में जनरली सबको पता होता ना, इसलिए पूछा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। भिड़े मास्टर, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। थैंक यू आदि भाई। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आदि भाई। क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप जैसे डॉक्टर दवाई दे देते, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई दवाई होती है? उसकी भी दवाई है। रोज सुबह प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो तो परम शांति मिलती है। और फिर तुमने जैसे लिखा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बरोबर, हमेशा प्यार दो और प्यार लो। दरअसल आज का सुविचार जो है ना, मुझे माधवी ने सजेस्ट। देखिए, फिर से इसकी बैटरी डाउन हो गई। पपड़लाल, पहले तुम्हारे मोबाइल को रिचार्ज का जरूरत होता था, अभी चार्ज का जरूरत है। जोक। अरे अय्यर भाई, हंसने की बात नहीं है, कल मैंने पूरी रात फोन को चार्ज पे रखा था, फिर भी अभी बैटरी डाउन दिखा रही। पपड़लाल, फोन को ओवर चार्ज करने से उसकी बैटरी का लाइफ खत्म हो जाता है। अच्छा, इसलिए कभी भी है ना फुल नाइट उसको चार्ज पर नहीं रखना चाहिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अभी जरा फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। क्या है ना, पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक का शॉक लगा, स्विच बराबर नहीं है, ये सारे भिड़ा की गलती है। पपड़लाल, इसमें आत्माराम का क्या गलती है? अरे वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ये सोसाइटी का ऑफिस है, इधर का स्विच बराबर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। आज आज मैं भिड़ा की दुनिया हिला दूंगा। भिड़ा, क्या हुआ पोपड़ा, इतना गुस्सा क्यों, क्या किया मैंने? अरे गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो, ये सुविचार पढ़ो और शांति से बात करो। सही बात है। अरे क्या सही बात है, ये सुविचार पढ़ने का टाइम नहीं है। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बता तो सही, हुआ क्या? अभी मैं अय्यर भाई के साथ सोसाइटी ऑफिस में था तो मुझे जोरदार झटका लगा। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल, अय्यर भाई ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमको जोरदार झटका लगा? ओ जड़ेलाल, मैंने पोपटलाल को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पोपटलाल हाथ से गया है, उसको बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोलता है, बात क्या है तुमको मालूम नहीं, फिर भी बीच में टांग अड़ाता है। तो मतलब फिर पोपटलाल ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई आपकी वजह से उसको जोरदार झटका लगा? अरे मेरी वजह से झटका नहीं लगा है। तो
मैं समझ गया पोपटलाल को झटका क्यों लगा होगा। जरूर किसी लड़की ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी होगी। ए, ना कर दी होगी। बस करो बस करो। तुम लोग तुमने मेरे झटके को मजाक बना के रख दिया। कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे झटका कैसा लगा। ओ अच्छा अच्छा, कैसा लगा झटका? अरे कैसा लगा नहीं जेठालाल, कैसे लगा ऐसा पूछते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे कैसे लगा? अरे बोल लेते दो। मुझे झटका किसी की बात का नहीं लगा, मुझे झटका लगा बिजली के करंट का। कौन बिजली? अरे इलेक्ट्रिसिटी का करंट। ओ अच्छा, वो बाप रे। अरे कैसे कैसे लगा? क्या हुआ, कैसे लगा था? हाँ क्या कैसे कैसे लग गया? मैं बताता हूँ। पोपड़लाल मोबाइल चार्जिंग पे रखने गया और स्विच ऑन किया, उसको करंट लग गया। अरे पोपड़लाल तेरा चटका मंटा, झटका नहीं बोलते उसे, पर ऐसे छोटे छोटे करंट से कुछ नहीं होता। अरे भिड़ा, ये कोई छोटा करंट नहीं है, ये सोसाइटी के ऑफिस में स्विच में करंट लगा। इसका मतलब है सोसाइटी की वायरिंग में गड़बड़ है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे ध्यान रखना चाहिए। अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कुछ हो जाता तो ये करंट ने आज मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पहली बार किसी ने आपकी दुनिया हिला दी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इतना जोर से झटका लगा कि आपकी दुनिया हिल गई। तो? अरे जोर का झटका तो मुझे लगा है, ये जानकर कि पोपटलाल तुम अपना मोबाइल सोसाइटी ऑफिस में चार्ज करते हो। तभी मैं सोचूं कि सोसाइटी का इलेक्ट्रिक बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। मास्टर, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है। हाँ तो पोपटलाल ये तो गलत बात है, तुम अपना बिजली का बिल बचाने के चक्कर में सोसाइटी ऑफिस में आके मोबाइल चार्ज करते हो, फिर मेंटेनेंस हमें ज्यादा भरना पड़ता है। मतलब आते भाई, मेंटेनेंस का नाम पे हम सब मिलके आज तक है पोपटलाल के बिजली का बिल भरते रहे हैं। सही बात है भाई भिड़ा, मुझे तो लगता है सोसाइटी के ऑफिस की चाबी तुझे पोपटलाल से जब्त कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा चाबी। देनी पड़ेगी चाबी, तुम ऐसे अपना मोबाइल ऑफिस पे चार्ज नहीं कर सकते। अरे मैंने लाइफ में पहली बार सोसाइटी ऑफिस में मोबाइल चार्जिंग पे रखा था, और तुम है ना मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दा है सोसाइटी के ऑफिस के स्विच में करंट लग रहा है, तो तुम्हें वायरिंग चेक करवानी चाहिए थी। अरे सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी सोसाइटी के सारे काम नहीं देख सकता, ऐसे छोटे मोटे काम कमेटी मेंबर्स को भी ध्यान देना चाहिए। अरे कमेटी मेंबर ध्यान कैसे दे, तुम उसकी बात सुनो तब ना। तुम कोई बात सुनते तो है नहीं। कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी? अरे मैंने कितनी बार तुमको बोला कि तुम इस्तीफा दे दो, दिया तुमने आज तक? मैं तो कब से तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए, सोसाइटी वाले ही मना करते, आज तो मैं इस्तीफा दे ही देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू कहाँ इसकी बातों में आ रहा है, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। देखो तू इस्तीफा दे अभी के अभी दे। ओहो, लगता है करंट का असर इसके दिमाग तक पहुंच गया। हाथी भाई जरा पोपटलाल को चेक तो करो। मैं अभी चेक नहीं कर सकता, मुझे दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। ए हाथी भाई, यहाँ पेशेंट रेडी खड़ा है, उसको छोड़ के आपको बाहर पेशेंट ढूंढने जाना है। जी जी ठीक है। पोपटलाल को देख के लगता नहीं है कि उसे करंट का कोई असर हुआ है। फिर भी एक ऊपर ऊपर से हाथ तो मार लो। अरे क्या हाथ मार दो, क्या मैं कोई दीवार हूँ? मैं हाथी भाई पेंटर है क्या? मेरे ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर से हाथ मार दो। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम्हारी आदत है राई का पहाड़ बनाने की, एक चींटी काटती है और बोलती है डायनासोर ने काटा। अच्छा राई का पहाड़। एक काम कर, तू मेरे साथ सोसाइटी के ऑफिस चल और स्विच को हाथ लगा के दिखा। अरे क्या दुश्मन है पोपटलाल, मैं क्यों हाथ लगाऊं? अरे हाथ नहीं लगाना तो अभी कभी इलेक्ट्रिशियन को बुला। अरे इलेक्ट्रिशियन का बुलाने की क्या जरूरत है यार भाई, है ना?
ओ जयदलाल, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। आप पर वो साइंटिस्ट बनने के लिए आपने साइंस ही पढ़ा है ना? अरे तो साइंस में तो आता ही है ना, सब वायर वायर सब नहीं आता। अभी साइंस और डॉक्टर हादि ने भी पढ़ा है, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिशियन है? भैया ये क्या बोल रहे हो, इतना पढ़े लिखे होकर एक डॉक्टर को इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो? अरे मैं नहीं डॉक्टर, ये जयदलाल कुछ भी बोल रहा है कि साइंस पढ़ने वाला इलेक्ट्रिशियन होता है, क्या बोल रहा है तुम? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है यार भाई, एक मिनट पीड़े, तो साइंस में वो फिजिक्स आता है कि नहीं है? उसमें नहीं आता वायर का, वो सब नहीं आता है? भाई अब्दुल, क्या है ये, हैं? कौवे की तरह सब लोग काम काम क्यों कर रहे हो? यार और ये बोर्ड पे क्या लिखा है वो पढ़ो, सब लोग पढ़ो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। और तुम सब लोग गुस्सा करके खुद ही अपना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हो। भिंडी मास्टर, अरे भाई सुविचार कोई पढ़ता ही नहीं है तो लिखता क्यों है? ठीक है, मैं कल से सुविचार लिखूंगा ही नहीं मैं। अरे भिंडी मास्टर, अरे भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं इन सब को कह रहा हूँ कि ये सुविचार जो लिखता है ना भिंडी मास्टर, उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने जीवन में भी उतारो। चाचा जी ये सब पोपटा की वजह से हुआ है। ए पोपट, क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो हुआ यूं कि पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। अभी आप ही बताइए किसकी गलती है? किसी की नहीं, ना तेरी ना भिंडी मास्टर। चलो सॉरी बोलो। सॉरी चाचा जी। सॉरी सॉरी बापू जी। सॉरी चाचा जी। सॉरी चाचा जी। अरे मुझे नहीं, सब लोग एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी 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 अब्दुल, सॉरी। अति भाई हमारा तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी चलो सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी ओके। तुम मेरे को सॉरी नहीं बोलेगा चाचा जी? सॉरी सॉरी सॉरी। शाबाश। अच्छा अब्दुल एक काम करना, जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ओके बेटे भाई। हाँ और कुछ? तो और क्या, कोई अच्छी लड़की दिखे तो मेरे रिश्ते की बात करना। तेरे हाथ में क्या? ओ जलेबी फाफड़ा बाबूजी। ऐसे यार थोड़ा मन हो गया जलेबी फाफड़ा खाने का, तो ले आया। अरे भाई जिसको भी खाने की इच्छा हो आ जाओ, साथ में बैठ के खाते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आया हूँ, चलो आओ आओ आओ। देखा भाई, मैं जलेबी फाफड़ा आपके घर खाने जरूर आता, पर क्या है ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है और एक पेशेंट को भी देखने जाना है, इसीलिए आज मैं नहीं आ सकता, मैं चलता हूँ। आयर भाई। हाँ भिड़े पोपटलाल। पक्का यार? कैसा पक्का? पूरा तुम ही खाओ। चले बाबूजी ठीक है, चलो ओके ओके। चलो देखते हैं हिसाब। आहो। हाँ बोलो माधवी। जल्दी ऊपर आइए, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? ओ टेंशन वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। ठीक है फिर मैं वो सोसाइटी में हिसाब देख के आता हूँ फिर। हाँ लेकिन जल्दी आइए। नहीं आता ना, माधवी भाभी को कुछ अर्जेंट काम होगा, तुम जाओ मैं और पोपटलाल हिसाब देख लेंगे। हाँ हाँ भिड़ा तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं, जाओ। पक्का ना? अरे हाँ हाँ भाई, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है ना। टेंशन मत, चलो ठीक है। थैंक यू। ओके थैंक यू पोपट भौजी। अय्यर भाई। नहीं ठीक है ठीक है। अय्यर भाई अपना काम कर ले।
माधवी भाभी ने कहा है कि हमारे जो टेंशन राम है यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े इनकी जिंदगी में एक खुशखबरी है। अब वो खुशखबरी क्या है ये तो कौन जाने। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में खुशखबरी कहाँ टिकती है साहब। अगर हम बर्फीली पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ बर्फ नहीं होती, हम रेगिस्तान में जाएं तो वहाँ ठंड लगने लगती है, और हम कोई नई गाड़ी खरीद लें तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो जाते हैं कि फिर क्या किया जाए। यानी कि कुल मिला के बजट के सामने हमारी सारी खुशियाँ घुटने टेक देती है, कांच की तरह होती है हमारी खुशियाँ, टूट के बिखर जाती है। लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि आत्माराम तुकाराम भिड़े की जिंदगी में कौन सी खुशखबरी, ये खुशखबरी क्षणभंगुर तो नहीं, अब क्या है ये खुशखबरी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।